पहचान रखता है। मैं हर साल यहाँ आती हूँ और इस मेले का पूरा लाभ उठाती हूँ। आप सबसे भी मेरा यही अनुरोध रहेगा, आप सबसे मेरी विनती समझो कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से खरीदारी करें। महंगी शॉपिंग हम हर जगह करते हैं, शो जैसे मॉल्स में या शोरूम में जा कर के, इस बार आप यहाँ से खरीदें ताकि कोविड की वजह से जो लोग यहाँ प्रभावित हुए थे, काफ़ी गरीब लोग, उनको एक रोजगार का ये सुनहरा अवसर मिलता है तो उनकी कुछ हम मदद कर पाएंगे, ये सोच के हम यहाँ से ज़्यादा खरीदारी करेंगे। यही हमारा प्रयास रहेगा और मेरी सबसे यही विनती है कि आप लोग यहाँ आओ, मेले का लुत्फ उठाओ। यहाँ हर चीज़ें आपको एक ही छत के नीचे, आपको पूरा जो हमारी दिनचर्या की जो चीज़ें हैं वो आपको एक छत के नीचे मिल जाएगी। धन्यवाद। मैम, आप पहले भी मेले में आते थे, अब वर्तमान में सभापति हो, तो क्या प्रयास आपके किए जाएंगे कि ये मेला है जो लगातार शायद ये लगा रहे या फिर लोग इससे जुड़े रहे? बिल्कुल, जैसे सब लोग अपने अपने अधिकारी हैं, प्रशासन है, अपने अपने लेवल पर ये प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ से जुड़े, मेले से रोजगार बढ़े, तो मेरा भी यही प्रयास रहेगा, मेरी पूरी नगर परिषद का ये प्रयास रहेगा कि हम लोग इस मेले को और आगे लेकर जाएं, आगे इसे बढ़ाएं। ऐसे मेले साल में जैसे साल भर से लगता है, हम तो ये प्रयास करते हैं कि 6 महीने से 5 महीने से ऐसे मेले लगते रहें ताकि लोगों को 1 साल का इंतजार ना करना पड़े, लोगों को अपना जो कल्चर है उससे जुड़ने का एक अवसर मिलता है, अपनी जो एक अंदर छुपी प्रतिभाएं होती हैं उनको निखारने का एक अवसर मिलता है। तो मैं भी यही प्रयास करूंगी और जो मुझसे ये प्रयास जो हो पाएगा मैं वो सारे प्रयास करूंगी। नगमा जी को सबसे ज्यादा कौन सी चीज यहाँ पे पसंद आती थी? मुझे यहाँ झूले पसंद है। धन्यवाद। मेला अपने हाट बाजार बाबूसर में शुभारम्भ हुआ है और ये 5-6 दिन लगेगा। ये हमारे भारत की पुरानी संस्कृति जो है उसको याद दिलाता है कि हमारे भारतवासियों द्वारा ही बनाई वस्तुएं बनाएं और खरीदें, और ये जो देश को आत्मनिर्भर बनाने का सपना है उसमें भी इसका सहयोग होता है, क्योंकि इसमें यहाँ से रोजगार देने वाली बात बनती है कि रोजगार देने के लिए सीखते हैं जिन महिलाओं से, जिन पुरुषों से जो पढ़ने में भी कम योग्य हैं लेकिन अपनी कारीगरी में जानते हैं, पुराने हमारे जैसे कारीगरी है, हाथों का है, हमारे पुराने जैसे पुराने गांव में जब मेले लगते थे तो वो दिन हमारे को भी याद आते हैं। मेलों का मतलब ही मिलने से जुड़ने से भी है और साथ में ये सामग्री भी खरीदें जो हमारे लोगों द्वारा, हमारे ही व्यक्तियों द्वारा बनाए जाते हैं, तो उनका उद्योग धंधे भी ज़्यादा चलेंगे, आगे रोजगार भी इनको मिलेगा। और हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो सपना है आत्मनिर्भर बनाने का, उनका कहना है कि भारत की बनी वस्तुएं खरीदें, भारत में बनाए और भारत जिससे रोजगार भी मिलेगा और देश आत्मनिर्भर भी होगा। और ये हमारे ग्रामीण अंचल शेखावाटी की जो पुरानी वेशभूषा है, पुराने जैसे हरदड़ा है, मटका दौड़ है, ये झूले हैं, ये पुरानी भारत की संस्कृति है और शेखावाटी की संस्कृति है, उन दिनों को याद दिलाता है। मैं इस मेले के 5 दिन की जो भविष्य की कामना करता हूँ। सर, एक सवाल कि अबूसर हाट जो मेला है, मेले के टाइम पे इस जगह का ध्यान रखा जाता है, इसके अलावा सर बहुत खस्ता हालत इसकी रहती है, वर्तमान में आप सांसद हो, कोई ऐसा प्रयास किया जाएगा कि परमानेंट ऐसी कोई व्यवस्था की जाए जिसके इसकी देख रेख हो सके? हमारे अभी कलेक्टर साहब आए हैं, उनसे आपने जो ये बात याद दिलाई है, निश्चित रूप से उनसे मिलकर जुल करके किस तरह से हमारे प्रशासक द्वारा या हमारे कोष द्वारा या किसी भी तरह से सरकार द्वारा किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जा सकता है और ये आगे बढ़ाने ये बात सत्य है, क्यों नहीं बढ़ा, इसका भी हम कारण खोज करके निश्चित रूप से इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि अगली बार ये और अच्छी तरह से लगे। जी, धन्यवाद सर। थैंक यू।